तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अदर वीडियो। एंड देयर इज अ गुड न्यूज फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो देयर इज अ न्यू ऑक्यूपेशन लिस्ट द रिलीज। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई फॉर दिस वीजा एंड व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस इन द लिस्ट, यू नो। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को जुकाम चल रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है बेसिकली सिडनी के अंदर, तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा शायद गड़बड़ा रही हो, तो सॉरी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि वीज़ा की क्या अपडेट चल रही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत सारी जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है यहाँ पर आ गई है न्यू। तो यहाँ पर उन्होंने जो है जो क्राइटेरिया बनाया है ऑक्यूपेशन लिस्ट का बेसिकली वीज़ा देने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो इनके अपने स्टेट में रह रहा है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है या जॉब कर रहा है या वो स्टडीज़ कर रहा है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा वीज़ा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए फार्मासिस्ट एंड यू आर स्टडिंग एनी कोर्स देयर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यू ऑलरेडी देयर, तो दे विल गिव यू फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर यू, है ना। देन सेकंड प्रेफरेंस दे विल गिव इन टू यू इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर इन अनदर स्टेट एंड यू वांट टू माइग्रेट टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फॉर एग्जांपल, यू आर इन सिडनी और मेलबर्न और यू नो एनी स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, नाउ यू वांट टू गो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दे विल गिव यू द सेकंड प्रेफरेंस। एंड थर्ड प्रेफरेंस ओनली दे विल गिव इन टू यू इफ यू आर द ओवरसीज। तो अगर उनको कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा उनके स्टेट के अंदर या पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके बाद फिर वो जो है ऑफशोर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि इनकी जो न्यू लिस्ट है वो आ गई है। तो ये अब जीत देखते हैं कि 2022 और 23 के लिए जो लिस्ट आई है इसके अंदर 120 जो है ऑक्यूपेशंस हैं, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को इनकी यहाँ पर ज़रूरत है, तो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो उन्होंने दिया है वो जो है जो जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं या एम्बुलेंस ऑफिसर होता है या एनेस्थेटिक्स जो होते हैं या एनालिटिकल प्रोग्राम, है ना, तो उन सब लोगों के लिए दिया हुआ है इन्होंने। और जो है आर्किटेक्चर वाले होते हैं उन लोग का है, तो आप लोग देख सकते हैं लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑडियोलॉजिस्ट इसमें और जो बॉटनिस्ट भी हैं, ब्रिक लेयर जो घर पर बनाते हैं ना, जो मिस्त्री होता है, तो उसकी यहाँ पर डिमांड है, उनको यहाँ पर चाहिए। और बिल्डिंग ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, और जो है केबलर डेटल मतलब जो केबल को जो करते हैं, जो आपको घर में इंटरनेट वगैरह जो काम होता है उस टाइप की जो उसमें। और जो कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर, ये हेल्थ केयर में आ गई है, कार्डियक टेक्नीशियन जो होते हैं आप लोग पूछते रहते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, अभी जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड है। और कार्डियोलॉजिस्ट की भी यहाँ पर डिमांड है, और कार्डियोथोरेसिक सर्जन की चाहिए यहाँ पर, करियर काउंसलर चाहिए, और कारपेंटर भी इनको चाहिए, और जो है चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर चाहिए इनको, और कार्पेक्टर चाहिए, और सिनेमा और थिएटर मैनेजर चाहिए, और जो है क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट चाहिए, और कम्युनिटी आर्ट्स वर्कर और कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपिस्ट, और जो है कंजर्वेटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर चाहिए, कुक चाहिए इनको जो है, और कॉटन ग्रोवर जो फार्मर होते हैं जो कॉटन को ग्रो करते हैं, और काउंसलर चाहिए, क्रॉप फार्मर चाहिए इनको, कस्टमर सर्विस मैनेजर चाहिए, और डांस और कोरियोग्राफर को चाहिए, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, डियर फार्मर ओहो, और डेंटल हाइजीनिस्ट चाहिए, डेंटल टेक्नीशियन चाहिए, डेंटल थेरेपिस्ट चाहिए, और डेंटल जो है डेंटिस्ट भी उनको चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, है ना, और डाइटिशियन चाहिए, और रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, डायरेक्टर भी इनको चाहिए जिनको फिल्म टेलीविज़न और रेडियो और स्टेज वगैरह पे, और जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चाहिए, और जो है इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इंजीनियर इंजीनियरिंग की सारी पूरी लिस्ट है यहाँ पर। एनरोल्ड नर्स जो इंडिया में जो लोग नर्स करते हैं और यहाँ पर आ गए एनरोल्ड नर्स हैं, दे आल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उनका यहाँ पर दिया हुआ है। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, फैसिलिटेटर मैनेजर है, और फैमिली एंड मैरिज काउंसलर चाहिए, और फैमिली सपोर्ट वर्कर चाहिए, है ना, तो ऐसे फिल्म और वीडियो एडिटर चाहिए, और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मैनेजर चाहिए, और फ्लावर ग्रोवर चाहिए, और फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, है ना। तो ये सारी की सारी डिमांड यहाँ पे है। मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ कि हेल्थ केयर वाले कौन कौन से यहाँ पर ऑक्यूपेशन से मैं उसी पैक करूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर चाहिए, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस मैनेजर चाहिए इनको, है ना, और आईसीटी मैनेजर सब तो चाहिए, और लेबोरेटरी मैनेजर चाहिए, लेबोरेटरी जो होती है ना, और लैंडस्केप आर्किटेक्ट चाहिए, लैंडस्केप गार्डनर चाहिए, लाइफ साइंटिस्ट जो जिन्होंने पीएचडी की हुई होती है जो है लाइफ साइंस में, तो वो लोग चाहिए, लाइफ साइंटिस्ट चाहिए, है ना,
तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अगर आपने MSc या PhD की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में, वो लोग भी हमारे जो है वो करते हैं। मिडिल स्कूल टीचर ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, और मिडवाइफ चाहिए यहाँ पर, और नेचुरोपैथ चाहिए। नेचुरोपैथ मतलब जो अगर आपने BAMS या आपने BUMS किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नेचुरोपैथ में। और न्यूरोलॉजिस्ट की यहाँ पर है, और न्यूरोसर्जन और नर्स रिसर्चर। नर्स को तो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ इतनी डिमांड है नर्स रिसर्चर की, नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नर्सिंग क्लिनिक डॉक्टर चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, ऑप्शन गानी डॉक्टर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वरना ये लिस्ट बहुत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर नर्सिंग का कितना, रजिस्टर्ड नर्स चाहिए, एज केयर रजिस्टर्ड नर्स, चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ रजिस्टर्ड नर्स, कम्युनिटी हेल्थ में चाहिए, क्रिटिकल हेल्थ केयर चाहिए है ना, और रूमेटोलॉजिस्ट चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स चाहिए, बहुत सर्जिकल में, प्री ऑपरेटिव में, पेडियाट्रिक में, ये सारी सारी नर्स चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, सोशल प्रोफेशनल चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टर भी चाहिए इनको, और सॉलिड प्लास्टर चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी, और यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी इनको चाहिए। तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने जो है अपना MSc या PhD की हुई है और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका असेसमेंट हो गई, तो आप लोग यहाँ पे उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, मगर अभी जो है फार्मासिस्ट के लिए अभी नहीं आए है, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगी। और तो ये मान के चलिए कि फार्मासिस्ट के दिन जो है लगने वाले हैं, तो जितनी भी जल्दी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आने का, तो आप जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, फार्मासिस्ट का जितनी जल्दी आप PR ले सकते हैं ले लीजिए। बाकी जिसके इस लिस्ट में सारे के सारे लोग हैं फार्मासिस्ट नहीं है अभी, पर सेकंड लिस्ट में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है नीड है फार्मासिस्ट की भी, स्पेशली जो है रूरल एरियाज के अंदर है ना। तो अगर आप फार्मासिस्ट सोच रहे हैं तो सोचिए मत ही, जस्ट एक्ट कीजिए, अपने असिस्टमेंट अप्लाई कीजिए। कैप्सी कोचिंग हम कराते हैं, तो कोचिंग वहाँ से हमारे लिए, और आप पास करने के बाद डेफिनेटली आप जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो देखिए ये था आज का वीडियो, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।